दोस्तों लंकाधिपति रावण, दशानन रावण, दस ग्रीव रावण, लंकेश रावण, जितना भी कहा जाए कम है। रावण महर्षि विश्रवा का पुत्र था। उसकी माता का नाम था कैकशी। कैकशी एक राक्षसी कन्या थी, क्योंकि उसके पिता एक राक्षस थे जिनका नाम था सुमाली। सुमाली तीन भाई थे, माली, सुमाली और माल्यवान। भगवान विष्णु के चक्र सुदर्शन से सुमाली के एक भाई का वध हो गया था। इस वजह से सुमाली पाताल लोक में जाकर छुप गया था। उस समय कुबेर नाम का एक पुत्र, जो विश्रवा का पुत्र था, उसको लंका का राज सौंप दिया गया था। वह यक्षों का राजा था। कुछ दिन पहले सुमाली अपने तीनों भाइयों के साथ लंका में राज किया करता था, लेकिन भगवान विष्णु से देवासुर संग्राम में जब बहुत युद्ध हुआ, तो उस समय उसके भाई के मर जाने के बाद उसकी काफी सेना मारी गई, जिसकी वजह से सुमाली पाताल लोक में जाकर छुपकर रहने लगा। उस समय कुबेर की इस विद्वता को देखकर सुमाली ने अपने बेटी को आगे बढ़ाया और उसने अपनी बेटी को समझाया कि अगर बेटी तुम विश्रवा से विवाह कर लोगी, तो तुमसे जो पुत्र उत्पन्न होंगे, उससे लंका के राजा फिर से मैं बन पाऊंगा और मैं फिर लंका को वापस पा जाऊंगा, क्योंकि इन ऋषि से जो पुत्र होंगे बहुत तेजस्वी होंगे। इस वजह से सुमाली ने अपनी बेटी को महर्षि विश्रवा के पास भेजा था और वही विश्रवा को जाकर समझा बुझा कर अपने प्रेम जाल में फंसा कर विश्रवा से उसने गंधर्व विवाह कर लिया था। और बाद में महर्षि विश्रवा से तीन पुत्र उत्पन्न हुए थे तथा एक कन्या का जन्म हुआ था। तीनों पुत्रों में रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ था और एक कन्या जिसका नाम था सुपर्णखा। तो रावण इतना शक्तिशाली था और साथ में धर्म के वेद वेदज्ञ का ज्ञाता भी था, क्योंकि उसकी माता एक राक्षसी थी और पिता एक ब्राह्मण थे। इस वजह से उसके पास दोनों गुण मौजूद थे। उसने एक तरफ से पिता के आज्ञा का पालन किया तो उसने वेद के सारे पाठों को कंठस्थ कर लिया। इसके साथ में वो महान पंडित बना और उसने माता की आज्ञा का पालन किया तो वो एक राक्षस की भी उपाधि हासिल कर चुका था, क्योंकि माता राक्षस होने के कारण उसने सारी राक्षसी विद्याओं को भी सीख लिया था। इस वजह से उसकी माता के कहने से उसने तीनों लोकों को जीतने की इच्छा प्रकट की थी। रावण ने कई लोगों को जीता और इसके बाद वह घूमता हुआ हिमालय के जंगल के पास गुजर रहा था। उसी वन में चक्कर लगाने लगा। वहां उसने एक तपस्विनी कन्या को देखा, जो अपने अंगों में काले रंग का मृगचर्म तथा सिर पर जटा धारण किए हुए थी। वह ऋषि प्रोक्त विधि से तपस्या में संलग्न हो देवांगनाओं के समान प्रदीप्त हो रही थी। उत्तम एवं महान व्रत का पालन करने वाली तथा रूप सौंदर्य से सुशोभित उस कन्या को देखकर रावण का चित्त कामोत्तेजित हो उठा। उसने अट्टहास करते हुए पूछा, हे भद्रे, तुम अपने इस युवा अवस्था के विपरीत यह कैसा बर्ताव कर रही हो? तुम्हारे इस दिव्य रूप के लिए ऐसा आचरण कदापि उचित नहीं है। तुम्हारे इस रूप की कहीं तुलना नहीं है। यह पुरुषों के हृदय में काम जनित उन्माद पैदा करने वाला है, अतः तुम्हारा तप में संलग्न होना उचित नहीं है। तुम्हारे लिए हमारे हृदय से यही निर्णय प्रकट हुआ है। हे भद्रे, तुम किसकी पुत्री हो या कौन सा व्रत कर रही हो? सुमुखी, तुम्हारा पति कौन है? हे भीरु, जिसके साथ तुम्हारा संबंध है वह मनुष्य इस भूतल में महान पुण्यात्मा है। मैं जो कुछ पूछता हूँ वह सब मुझे बताओ। किस फल के लिए ऐसा परिश्रम किया जा रहा है? रावण के इस प्रकार पूछने पर यशस्विनी तपोधना कन्या उसका विधिवत अतिथि सत्कार करके भूली, अमित तेजस्वी महर्षि श्रीमान कुशध्वज मेरे पिता थे, जो बृहस्पति के पुत्र थे और बुद्धि में उन्हीं के समान माने जाते थे। प्रतिदिन वेदाभ्यास करने वाले उन महात्मा पिता से वांगमयी कन्या के रूप में मेरा प्रादुर्भाव हुआ था। मेरा नाम वेदवती है। जब मैं बड़ी हुई तब देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग भी पिताजी के पास जा जाकर उनसे पूछने लगे कि आप मुझसे विवाह कर दें। हे महाबाहो राक्षसेश्वर, पिताजी ने उनके हाथ में मुझे नहीं सौंपा। इसका क्या कारण था तो मैं आपको बता देती हूँ। सुनिए, पिताजी की इच्छा थी कि तीनों लोकों के स्वामी देवेश्वर भगवान विष्णु मेरे दामाद हों, इसलिए वे दूसरे किसी के हाथ में मुझे देना नहीं चाहते थे। उनके इस अभिप्राय को सुनकर बलाभिमानी दैत्यराज शंभु उन पर कुपित हो उठा और उस पापी ने रात में सोते समय मेरे पिताजी की हत्या कर डाली। इससे मेरे महाभागा माता को बड़ा दुख हुआ और मैं पिताजी के शव के साथ हृदय से लगाकर चिता के अग्नि में प्रविष्ट हो गई। तब से मैंने प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं भगवान नारायण के प्रति पिताजी का जो मनोरथ था उसे सफल करूंगी। इसलिए मैं उन्हीं को अपने हृदय मंदिर में धारण करती हूँ। यही मेरी प्रतिज्ञा है।
और यही प्रतिज्ञा करके मैं यह महान तपस्या कर रही हूँ। हे राक्षस राज, आपके प्रश्न के अनुसार यह सब बात मैंने आपको बता दी है। नारायण ही मेरे पति हैं, उन पुरुषोत्तम के सिवा दूसरा कोई मेरा पति नहीं है। मित्रों, यह कथा वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड के 17वें सर्ग की है, जो मैं आज आपके सामने सुना रहा हूँ, जिसका पन्ना भी मैं आपके सामने लगा दूंगा। उन नारायण को प्राप्त करने के लिए ही मैंने इस कठोर व्रत का आश्रय लिया है। हे राजन पौलस्त्य नंदन, मैंने आपको पहचान लिया है। आप जाइए, त्रिलोकी में जो कोई भी वस्तु विद्यमान है वह सब मैं तपस्या द्वारा जानती हूँ। यह सुनकर रावण काम बाण से पीड़ित हो उठा और विमान से नीचे उतर गया और उस उत्तम एवं महान व्रत का पालन करने वाली कन्या से बोला, सुश्रोणी तुम गर्वीली जान पड़ती हो, तभी तो तुम्हारी बुद्धि ऐसी हो गई है। मृग शावक लोचने, इस तरह पुण्य का संग्रह बूढ़ी स्त्रियों को ही शोभा देता है, तुम जैसी युवती को नहीं। तुम तो सर्वगुण संपन्न एवं त्रिलोकी की अद्वितीय सुंदरी हो, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। भीरू, तुम्हारी जवानी बीती जा रही है। भद्रे, मैं लंका का राजा हूँ, मेरा नाम दशग्रीव है। तुम मेरी भार्या हो जाओ और सुखपूर्वक उत्तम भोग भोगो। पहले यह तो बताओ, तुम जिसे विष्णु कहती हो वह कौन है? अंगने भद्रे, तुम जिसे चाहती हो वह बलपूर्वक तप और भोग वैभव द्वारा मेरी समानता नहीं कर सकता है। उसके ऐसा कहने पर कुमारी वेदवती उस निशाचर से बोली, नहीं नहीं ऐसा न कहो राक्षसराज, भगवान विष्णु तीनों लोकों के अधिपति हैं, सारा संसार उनके चरणों में मस्तक झुकाता है। तुम्हारे सिवा दूसरा कौन पुरुष है जो बुद्धिमान होकर भी ऐसी अवहेलना करेगा? वेदवती के ऐसा कहने पर उस राक्षस ने अपने हाथों से कन्या के केश को पकड़ लिए। इससे वेदवती को बड़ा क्रोध हुआ, उसने अपने हाथ से अपने केशों को काट दिया। उसके हाथ ने तलवार बनकर तत्काल उसके केशों को मस्तक से अलग कर दिया। वेदवती रोष से प्रज्वलित सी हो उठी। वह जल मरने के लिए उतावली हो अग्नि की स्थापना करके रिसाचर के दग्ध करती हुई सी बोली, नीच राक्षस, तूने मेरा तिरस्कार किया है, अतः अब इस जीवन को सुरक्षित रखना मेरी अभिष्ट नहीं है, इसलिए तेरे देखते देखते मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। तुझ पापात्मा ने इस वन में मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तेरे वध के लिए फिर उत्पन्न होंगी। स्त्री अपनी शारीरिक शक्ति से किसी पापचारी पुरुष का वध नहीं कर सकती। यदि मैं तुझे साप दे दूं तो मेरी तपस्या छीन हो जाएगी। यदि मैंने कुछ भी सत्कर्म दान होम किए हो तो अगले जन्म में मैं सती साध्वी आयो निजा कन्या के रूप में प्रकट हूँ तथा किसी धर्मात्मा पिता की पुत्री बनूं। ऐसा कहकर वह प्रज्वलित अग्नि में समा गई। उस समय उसके चारों ओर आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। तदंतर दूसरे जन्म में वह कन्या पुनः एक कमल से प्रकट हुई। उस समय उसकी कांति कमल के समान ही सुंदर। उस राक्षस ने पहले की भांति फिर वहां से उस कन्या को प्राप्त कर लिया। कमल के भीतरी भाग के समान सुंदर कांति वाली उस कन्या को लेकर रावण अपने घर गया। वहां उसने मंत्री को वह कन्या दिखाई। मंत्री बालक बालिकाओं के लक्षणों को जानने वाला था। उसने उसे अच्छी तरह से देखकर रावण से कहा, हे राजन, यह सुंदरी कन्या यदि घर में रही तो तुम्हारे वध का ही कारण बनेगी, ऐसा लक्षण देखा जाता है। यह सुनकर रावण ने समुद्र में उस कन्या को फेंकवा दिया। तत्पश्चात वह भूमि को प्राप्त होकर राजा जनक के यज्ञ मंडप के मध्यवर्ती भूभाग में जा पहुंची। वहां राजा के हल के सुख भाग से वह भूभाग के जोते जाने पर वह सती साध्वी कन्या फिर प्रकट हो गई। हे प्रभु श्री राम, वही वेदवती महाराज जनक की पुत्री के रूप में प्रादुर्भूत होकर आपकी पत्नी बनी है। हे महाबाहो, आप ही सनातन विष्णु हैं। उस वेदवती ने पहले ही अपने रोष जनित साप के द्वारा आपके उस पर्वताकार शत्रु को मार डाला था, जिसे अब आपने आक्रमण करके मौत के घाट उतारा है। हे प्रभु, आपका पराक्रम अलौकिक है। इस प्रकार यह महाभागा देवी विभिन्न कल्पों में पुनः रावण के वध के उद्देश्य मृत्यु लोक में अवतीर्ण होती रहेगी। यज्ञ वेदी पर अग्निशिखा के समान हल से जोते गए क्षेत्र में इसका आविर्भाव हुआ है। यह वेदवती पहले सत्ययुग में प्रकट हुई थी, फिर त्रेतायुग में आने पर उस राक्षस रावण के वध के लिए मिथिलावर्ती राजा जनक के कुल में सीता के रूप से अवतीर्ण हुई। सीता हल जोतने से भूमि पर बनी हुई रेखा से उत्पन्न होने के कारण मनुष्य इस देवी को सीता कहते हैं। दोस्तों, इस तरह से महर्षि अगस्त ने भगवान विष्णु को इस कथा को सुनाते हुए बताया था, जो मैंने वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड के 17वें सर्ग से आपको सुनाया है। मित्रों, ये कथा आपको इसलिए सुनाई गई है कि जो लोग कहते हैं कि सीता रावण की पुत्री थी, वो रावण की पुत्री नहीं थी, वो वेदवती ही थी जो रावण के घर में जन्मी थी, जिसको मैंने वाल्मीकि रामायण से पूरे प्रमाण के साथ आपको सुनाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के पास भी शेयर करें, ताकि जिन लोगों को इस कथा के बारे में जानकारी नहीं है, गलत भ्रांतियां भरी हैं, वो भी जान जाएं। और मित्रों, अब लेते हैं आपसे इजाजत। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जय श्री कृष्ण, जय सियाराम, जय हिंद, जय भारत।